शासन ने अपने शासनादेश में परिवर्तन करते हुए चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने वाले कर्मचारियों के परिजनों को मदद का ऐलान किया है, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान 30 दिनों में कोरोना से होने वाले मृत्यु पर शासन ने 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। ऐसे लोग जो पंचायत चुनाव में अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, उनके परिजन इसका लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, जैसा कि पहले ही जियो ऑलरेडी आया हुआ था कि अगर कोई किसी की डेथ अनडाउन कोविड कारणों से होती है तो उसको 15 लाख रुपये, अगर किसी की डेथ कोविड रीजन से होती है तो उसको 30 लाख रुपये की धनराशि मिलेगी। पहले जो जियो था उसमें ये था कि जो भी कोविड से मृत्यु के कारणों में ये माना जाएगा, तभी उसको कोविड से मृत्यु माना जाएगा या नॉन कोविड से जो भी है, जो उस पीरियड में जिस पीरियड में उसे मतदान करने के लिए जा रहा है कराने के लिए, और जब वो आ रहा है उसी बीच के पीरियड को माना जाएगा ड्यूटी का पीरियड। जब तक वो ड्यूटी पे था, अगर उस दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है कोविड कारणों से, तो उसे कोविड के द्वारा दी गई धनराशि के लिए उसको योग्य माना जाएगा। परंतु अब सरकार ने उसमें नियमावली में परिवर्तन किया है, अब उसके मुताबिक अगर कोई 30 दिन के अंतराल पर भी मरता है कोविड का, अगर मान लीजिए आज आपको ड्यूटी मिली है उसके 30 दिन के अंतर्गत अंदर भी आप अगर मरते हैं, तो उस केस में भी आपको जो भी एक एक्सग्रेसिया जो है, जो अनुदान राशि है 30 लाख रुपया के लिए, इसके लिए आपको योग्य माना जाएगा। इसके लिए 4 डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं। पहला कि आपका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेकंड कोविड प्रमाण पत्र होना चाहिए, और इसके अलावा आपको एक फोटोग्राफ देना होगा, और ड्यूटी का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि आपको ड्यूटी लगी थी इलेक्शन में। ये 4 अगर डॉक्यूमेंट्स आप जमा करके जो पंचायती राज का वेबसाइट है उस पर अप्लाई करने पर, जो भी अगर आप आवेदन करेंगे उस पर उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद एक राजपत्रित अधिकारी नामित किए जाएंगे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, वो जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा उस रिपोर्ट के आधार पर फिर उनको ये धनराशि जो है शासन के द्वारा आवंटित की जाएगी।